सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी का हम मतलब सीन नहीं बताऊंगा, अभी जा रहे हैं हम हरिद्वार। जैसे आपने सीन देखा हो, हरिद्वार तो मैं भाई बहुत बार जाता हूँ, अभी स्टेशन पे रोडवेज भी, सॉरी मामा चल जाएंगे, अभी आ गया हूँ रोडवेज पर, अभी कुछ सामान लेना था तो मैं आगे आ गया। तो हरिद्वार चल के जहाँ जहाँ नहीं गए थे पहले, सो वहाँ वहाँ का सीन दिखाने वाला हूँ मैं आपको। वैसे तो बहुत बार जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ मैं, तो कितना सीन नहीं दिखा पाऊँगा मैं। जहाँ जाता हूँ मामा कहीं और लेके जाते नहीं हैं, तो जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सुबह तक जुड़े रहें ब्लॉग में, इसके बिल्कुल ना करना, मिलते हैं थोड़ी देर में अभी। तो अभी देख सकते हो रोडवेज कितना खाली है भाई, अभी मतलब रात के 10 बज रहे हैं वो कितना खाली है। सोच तो रहा हूँ कि इंस्टा रील बना लूँ, तो देखते हैं अभी कुछ टाइम मिला तो बनाएंगे, नहीं तो आपके साथ ब्लॉग बनाएंगे। तो भाई अभी बस में बैठ चुके हैं और बस में बिल्कुल अंधेरा है, मामा इधर बैठे हैं और दो तीन जने और मामा के दोस्त जो मामा है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट हरिद्वार, मिलते हैं क्योंकि रात बहुत हो रही है और नींद आ रही है मुझे, डायरेक्ट हरिद्वार में मिलते हैं आपसे। सो अभी गाइस हरिद्वार जाते आते बीच में ढाबा पड़ा था, वहाँ बस रुक गई थी। सो अभी रात के बज रहे हैं कम से कम 2 बज रहे हैं और अभी बस बिल्कुल पहुँची नहीं है, 2-3 घंटे हुआ, चलो अब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। सो अभी भाई बहुत तेज़ नींद आ रही थी, अभी सोया नहीं हूँ मैं और व्लॉग एडिट कर रहा था पिछले जो भी रह गए थे। सो अभी तो चाय पी रहा हूँ और फिर चलते हैं हरिद्वार डायरेक्ट चाय पी के। और भाई चाय पी के जो नींद आती है ना, लोगों की नींद उड़ती होगी पर मुझे नींद आती है। सब चाय पी के डायरेक्ट हरिद्वार के लिए निकलते हैं, डायरेक्ट हरिद्वार मिलते हैं सुबह को। 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, 2 मिनट बाद डायरेक्ट हरिद्वार मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी हरिद्वार आ चुके हैं और अभी जस्ट 3 बज रहे हैं और अभी हरिद्वार पहुँच चुके हैं। मैंने बोला था ना 1 घंटे में तो हम आए गए हरिद्वार। सो हरिद्वार आने के बाद ठंड हल्की हल्की लग रही है, मतलब अप्रैल में भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि बस में इतने झटके हुए थे तो नींद आ ही नहीं पाई। तो अभी थोड़ी देर में बस सोने जा रहा हूँ मैं, धर्मशाला में जहाँ रुकेंगे हम वहीं सोएंगे, फिर अब क्या सोएंगे यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। और मैं सोच रहा था एक बार और चाय पी लूँ, भाई मेरी चाय चलती रहेगी जब तक मुझे नींद नहीं आएगी, अब एक बार और चाय लेते हैं। अंकल चाय दे देना एक, सुबह कितने बजे? ये तो अंदर बताइए। सो अभी चाय ले ली है, अभी चाय पी के मिलते हैं आपसे। सो भाई तो भाई अभी चाय तो पी ली है और एक बात भाई, चाय हाथ में और सामने पहाड़, कुछ अलग ही सीन आता है और ठंडी हवा, भाई मज़ा आ जाता है। अभी तो मैं हर महीने आता हूँ, वैसे ही गुरुजी से मिलना होता है, मतलब जहाँ दरबार लगता है जिन्हें हम मानते हैं तो वहाँ तो हम आते हैं। सो हर महीने आने को होता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, हरिद्वार हर किसी को भी हर महीने आने को नहीं मिलता है, तो इन्जॉय करते हैं हर महीने आके। और अभी तो मैं पहले सोता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। भाई अभी उठे हैं सुबह, जस्ट मतलब बहुत ही नींद आई थी और अभी 8 बज रहे हैं तो हम नहाने जा रहे हैं पीछे, तो धर्मशाला के पीछे ही है, तो मतलब धर्मशाला के पीछे ही है बिल्कुल जहाँ नहाते हैं हम लोग, तो वहीं जा रहे हैं अभी। और सामने का कुछ सीन दिखाऊंगा आपको, तो ये देखो ये, और ये चश्मा कैसा लग रहा है इसे कमेंट में बता देना मुझे। और गिरजा देवी में बहुत कम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अभी आगे चलते हैं खाने की तैयारी में करते हैं, फिर 2-3 रील बनाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो भाई पहले से पानी बहुत सारा बढ़ गया है, देखो बहुत दूर लग रही है वो, बहुत सीढ़ियों पानी आ गया, तो बहुत पानी है यहाँ पे, तो रिस्क है यहाँ पे नहाने को। तो नहाए या नहीं नहाए? अभी आधा घंटे सोच के आएंगे। और वो देखो त्रिशूल, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया होगा, तो अभी देखते हैं यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही है, फिर बताते हैं आपको, नहा के मिलते हैं आपसे या फिर नहा ही लेते हैं पहले, देखो क्या होता है। यार मैं तो सोच रहा हूँ ठंड लग रही है इतनी गर्मी में भी, धूप होती ना तो आराम से नहा लेता, पर धूप नहीं आ रही इधर पेड़ की वजह से। देखते हैं ठंड ठंडी हवा भाई बहुत तेज चल रही है, जो कि हर बार चलती जब भी आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो भाई पहाड़ी इलाका है, चलनी तो है। मेरी उठने वाली चाय तो रह ही गई,
याद आ गई, चाय पीनी है पहले तो। चाय पीते अभी यहाँ जीने पे बैठ के फिर मिलते हैं भाई। अभी ये लोग तो नहा लिए हैं, अभी मेरी बारी है नहाने की। और बहुत ठंडा पानी है, मन कर रहा है कि मुँह हाथ धो के आ जाऊँ। तो अभी नहा लिए हैं, बहुत ठंडा पानी था भाई, हाथ पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, बहुत ठंडा पानी था और उंगलियाँ सुन्न पड़ी हैं बिल्कुल। तो डायरेक्ट अभी धर्मशाला में मिलते हैं आपसे। तो भाई इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, मतलब मेरी जो धर्मशाला उसके जस्ट बराबर में देखो पीछे दिख रहा होगा आपको ये। सो ये मोदी भवन है तो धर्मशाला नाम मोदी भवन है। यहाँ पे हसीन दिलरुबा मूवी की शूटिंग हुई थी पूरी। अब मैं सोच रहा हूँ अंदर जाने की, पर अंदर जाने वो देंगे नहीं, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अगर अंदर जाने देते होते तो मैं अंदर का ही बनाता। तो यहीं पे हुई थी हसीन दिलरुबा की शूटिंग, और पूरा शूट यहीं का ही था, गली का भी यहीं का ही था। तो भाई जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसी भवन में, मतलब इसी मोदी भवन में शूटिंग हुई थी पूरी। तापसी कन्नू जो हीरोइन आई थी और हसीन दिलरुबा की पूरी शूटिंग हुई थी। सो भाई मतलब अभी तो बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया उस पिक्चर को हम लोग आए हुए थे, पर मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करता था, ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी। तो मामा से पूछ सकते हैं एक बार भी कि मामा हुई थी नहीं हुई थी शूटिंग। और एक बार भी आप सीन देख सकते हो वहाँ के, यही गली का है, मैं गली भी दिखा दूंगा अभी आपको। यही गली थी वो, जब वो ऑटो से जा रही थी वाला सीन था, तो देख सकते हो आप, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और भी मैंने बहुत सीन देखे थे, अगर सब पे गया तो सब पे भी दिखाऊंगा आपको वहाँ के सीन, ठीक है? तो कोई इसमें झूठ नहीं है। और अंदर जाने देते हो तो भाई बात ही क्या थी, मैं खुद ही दिखा देता आपको जाके। तो ये रोड है वो जहाँ तापसी कन्नू की शूटिंग बाहर भी हुई थी और अंदर तो हुई हुई थी। सो ये है, यहाँ से यहाँ तक की जा रही है, यहाँ पे हुई थी बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे ये सीन था पूरा, ऊपर से नीचे तक का। भाई ये छत है पूरी जो नीचे दिख रही है आपको। तो ये तापसी कन्नू हीरोइन जो है उसकी पिक्चर जो थी ना हसीन दिलरुबा जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। वो जो दीवार है ऊपर देखो, ये जो दीवार है यहाँ पे, तो शुरुआत में जब मतलब उसका जो रिश्ता आ रहा था लड़के का, तो लड़का यहाँ बैठ के बात कर रहा था, उसके मम्मी पापा यहाँ पे बैठे थे। तो वो मैं क्लिप अगर जुड़ी तो जोड़ दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मैं नीचे आके और दिखाता हूँ मैं आपको। सो यहाँ से नीचे चलते हैं, ये रहा हमारी धर्मशाला है पूरी, तो नीचे चल के दिखाते हैं आपको। सो कुछ फुटेज भी दिखा दूंगा मैं आपको। यहाँ पे वो राफ्टिंग राफ्टिंग के लिए वो बोट बना रहा था वो लड़का। वो यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे पूरा कैमरा रख के यहाँ पे शूटिंग हुई थी भाई। यहाँ पे बैठा था वो बंदा, चाय पी रहा था, जब उसकी मतलब शादी की बात चल रही थी और मम्मी पापा यहाँ बैठे। बिल्कुल यही वो था रेस्टोरेंट, होटल है, बहुत बड़ा होटल है देखो। तो हर किसी का जाना मतलब अंदर मना था, मैंने पूछा नहीं वैसे भी, क्या फ़ायदा मना कर देते। तो और लास्ट में जो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होता है घर से, सो यहाँ से कूदता है वो बंदा यहाँ पे बिल्कुल नदी में, देखो गंगा जी है सामने, जस्ट यहाँ से कूदता है वो देख लो आप। मुझे लड़की जब यहाँ से इशारा करती है वो यहाँ से होता है, बिल्कुल यही है। मैं आपको फुटेज लेके फिर दिखाता हूँ, अभी ऐसे समझोगे नहीं आप, ऐसे फुटेज लेता हूँ मैं। तो यहाँ के ले लिए और यहाँ दोनों की फुटेज ले लिए, मैं आपको दिखा दूँगा साइड से पिक्चर की फुटेज लगा दूँगा, फिर आप समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे आप। अंदर जाता तो ढंग से समझाता मैं आपको। ये था तापसी कन्नू हीरोइन की पिक्चर की शूटिंग हसीन दिलरुबा। ये तो नेटफ्लिक्स पे आई थी, अमेज़ॉन प्राइम पे आई थी,
और टीवी चैनल पर तो बहुत कमी आई है, टीवी चैनल पर आती तो लोग देखते हुए बहुत कमी नाम जानते हैं इसका, जो जानते होंगे वो कमेंट में जरूर बताना हमें कैसी लगी वाली पिक्चर, थोड़ी सस्पेंस वाली भी रही थी ये। तो ये रहा पिक्चर की शूटिंग का रेस्टोरेंट होटल, तो अभी नहा के आ गए, चाय भी पी ली, अभी छत पे आए हुए हैं और व्यू के मज़े ले रहे हैं भाई। पीछे देखो पूरी गंगा बह रही है, वो सामने ओ में वहाँ ओ में वो बहुत दूर है। तो ये देखो ये सामने पहाड़ जो है यार, आई होप अगली बार आऊँ तो यहीं पे जाऊँ, मैं गया तो बहुत बार पर ब्लॉग एक बार भी नहीं बनाया है। मामा लेके नहीं जाते हैं, क्या करें, अब ये भी मामा परेशान है, हम भी परेशान हैं, क्यों भाई जाते ही नहीं है लेके। हाँ यार हाँ, ऐसे यहीं पे चार दीवारियों में घूमते रहते हैं, हर महीने आते हैं यहीं घूम के और चले जाते हैं। तो अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, खाना वाना खाने नहीं है अभी, देखते हैं खाएंगे तो छोले भटूरे ही खाएंगे। और भाई वहाँ की प्लेट ना भाई मज़ा आ जाते हैं, वहाँ के छोले भटूरे खाने में आ गए हैं, मतलब रोडवेज और स्टेशन के सामने में कुछ जस्ट सामने ही है रेलवे स्टेशन के। तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे, तो खाना ज़रूर आओ भाई, मज़ा आ जाते हैं, छोले कुलचे भी हैं, छोले चावल भी हैं और छोले भटूरे भी हैं, मैं जब भी आता हूँ यहीं खाता हूँ, और मिर्च की मिर्च होती नहीं है, अगर डलवाना चाहो तो मिर्च डलवा सकते हो। तो अभी देखते हैं, अगर चले तो वहीं पर खाएँगे, नहीं तो हम कहीं और खाते ही नहीं हैं, तो वहीं पर चलते हैं डायरेक्ट और वहीं पर दिखाते हैं आपको भाई टेस्ट गजब, आओ तो खाना जरूर यहाँ पर। और ये देखो धूप कितनी हो रही है भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो इन वाले भैया की मैं बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे है डायरेक्ट मतलब उधर रेलवे स्टेशन है बिल्कुल जस्ट यहीं पे ही है, ये देख लो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, और आना ज़रूर खाना ये है, ये देख लो। तो भाई अभी खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई अभी खाना वाना खा के रोडवेज पर आ चुके हूँ, बस में बैठ गया हूँ, तो अब इस ब्लॉग को यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक बाय। To lift myself out of the trench below. Having